बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरी मैया की जय। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वात साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपे रसंसिथा नमस्तस्से 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 नमो नमः। आज हम शुद्ध महादेव से आगे 7 किलोमीटर मानतलाई माता गौरी जी के पावन तपोस्थल पर आए हैं। बड़ा सुंदर दिव्य माँ गौरी का ये तपोस्थल है, जिस मंदिर में माँ भगवती गौरी जी के पावन श्री चरणों में हम बैठे हैं। यहाँ पर साक्षात माँ गौरी विराजमान है, माँ भगवती विराजमान है। प्राचीन ये मंदिर है और जो इस मंदिर में जैसी भावना लेकर आता है माँ गौरी भगवती जगत जननी भोलेनाथ, उनको वैसा ही फल देते हैं। भगवान शंकर गौरी मैया गणपति जी महाराज विराजमान है, यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक शिला है छोटी, ऐसी मान्यता है कि गौरी मैया जैसे पहले पहले खेल खेलते थे ना, वो वट्टियों का खेल खेलते थे, पत्थरों का खेल खेलते थे, तो ये तकरीबन कोई 3.5-4 किलो का ये वट्टा है दिव्य, जिसके साथ गौरी मैया खेलती थी। तो ये बड़ा पावन दिव्य स्थल है। अब आपको हम उस स्थान के दर्शन कराएंगे जिस स्थान पर भगवान शंकर और गौरी माता जी के अलावा फेरे हुए थे, उस यज्ञशाला, उस हवन कुंड के, जिस हवन कुंड, जिस यज्ञशाला पे भगवान शंकर माँ गौरी की अलावा फेरे हुए और फिर उसके बाद उसमें से जल की धारा निकली और चहुं ओर जल ही जल हो गया। अब भी उस यज्ञशाला से जल की धारा गोपनीय निकलती है और उसमें कभी भी जल समाप्त नहीं होता। उस जल को अमृत कहते हैं। उस जल में जो भी कोई स्नान करता है उसके कष्ट, उसके रोग, उसके दुख, उसके संकट दूर होते हैं। गौरी मैया उसके सभी मनोरथ पूर्ण करती है। मेरी माँ, मेरी भगवती माँ गौरी, बोलो गौरी मैया की जय। जय मैया, जय मैया, जय जय मैया। ओम या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्से 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 नमो नमः। ये जो कुंड है इसको गौरी कुंड कहते हैं, मतलब ये यज्ञशाला है जहाँ पर भगवान शंकर जी के अलावा फेरे हुए थे गौरी मैया जी के साथ। ये 4 त्रिशूल लगे हुए हैं और ये उस समय इतिहास कहता है यज्ञशाला थी। और जब भगवान शंकर और गौरी मैया जी का विवाह संपन्न हो गया उसके बाद उसमें से जल की धारा निकली और चहुं ओर जल ही जल हो गया। यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, मान्यता है कि इस जल अमृत में स्नान करने से बड़ी बीमारी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। भावना की बात है, श्रद्धा की बात है, इसीलिए हमारे सनातन धर्म को महान कहा जाता है। सनातन में बहुत ताकत है। सनातनी हमारे भगवान शंकर माँ गौरी, जिनकी कृपा से ये मानतलाई स्थान बसा हुआ है और साक्षात यहाँ पर विराजमान है माँ गौरी भगवान भोलेनाथ। बोलो गौरी मैया की, शंकर भगवान की जय।